He will speak in Hindi, and I will do the translating. हमको झेलने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, क्योंकि कुछ बात आप सबको खिलत में जा सकता है। आज से करीबन 20 साल पहले, इसकी पहली बार हम दिल्ली आए थे, 20 साल पहले एक बार आए थे इसी यूनिवर्सिटी में। अनिता भारती जी, उनका नाम तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं, उनका एक प्रोग्राम था। तो उस समय एक बात हम बताए थे, वही बात से आप शुरू करें। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि आप लोग तो लिखे पढ़े लोग हैं, और लिखे पढ़े लोगों को बात तो इतने देर तक सुने हैं, लिखे पढ़े लोगों की बात लिखे पढ़े लोग अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन हम तो अनपढ़ है, थोड़े देर के लिए हमारे पास समझना भी थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा ताकि आप समझ सके, शब्द से नहीं तो कम से कम देख सके। It's difficult to translate, as you can understand, long, lengthy of Monranjan Lapari's talk. He said, prepare to endure me for some time, because much of what I may say may go against you. 20 years ago, I had come to this university once, and I'll be repeating much of what I had said then. He said, you are all educated, and you have listened and tried to understand writings and speeches made by educated people. I am not educated, so for some time, listen to me and try to understand what I say. If not through your mind, then maybe through your heart. हमारे बंगाल में कहावत है, दिल्ली दूरस्थ। जब कोई काम हमको लगता था कि हम कर डालेंगे, औरों को लगता था कि नहीं हो नहीं पाएगा, तो बोलते थे दिल्ली दूरस्थ। हमको भी लगा था कि दिल्ली जाना बड़ी मुश्किल की बात है, राजधानी है। तो फिर 20 साल पहले एक बार हम आ गए थे, और समझ लीजिए हम आ ही गए थे। आपकी बार लेकर के पार्लर हो गया, हेबिटेट सेंटर में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहां भी आए थे और आपने बात रखे थे, और हम तो आप ही रह गया। हमको अब रोकेगा कोई गाली है कौन क्या जो सवाल हमको किया उन्होंने, ये सवाल कई बार हो चुका, उसका भी जवाब हम वहां दे चुके हैं। आप लोग भी पेपरों में, वो तो दैनिक जागरण में भर पन्ना भर के वो बात आया था, आप लोग कोई देख रहे हैं, आप क्यों लिखते हैं? तो मेरा सीधा सा जवाब था, और वही बात आप भी दोहराना चाहूंगा, कि मैं मर्डर नहीं कर सकता, इसलिए अगर मैं मर्डर कर सकता तो लिखता है, जब तक मैं कर सका तब तक हमने नहीं लिखा। जिस दिन से वो काम हम छूट गया, उम्र बढ़ गया, जेल जाने का अब हमारा ताकत नहीं है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। I'm a writer because I cannot murder. Sorry, I'll have to keep breaking him up like this. I will stop for those who can understand Bengali. He says, in Bengali, we have the saying that Delhi is far away, Delhi being the epitome of the goal, the objective. So he's saying that this is the fifth time I've come to Delhi, so I can take it that I have reached my objective or my goal, and I will keep coming to Delhi, and which dash, whatever, there's some effort there, which dash is going to stop me coming to Delhi? Then he says, let me come to the question now, why do I write? Well, I write because I cannot murder. As long as I could kill people, I did not have to take to writing. But now that after I got thrown into the jail and I left that violence, I have taken to writing. एक आदमी ही रास्ते से जा रहा, उसको प्यास लगा, वो देखा एक कुएं है, बाल्टी भी है, थोड़ा सा पानी क्या है, पी लिया बेचारा, तो उसको रड़ी तो बोलते हैं क्या, गर्म करके उसको हाथ जलाया जाता है। आपको लगता है कि उस आदमी को मार देना चाहिए? हालांकि मैं तो फांसी का खिलाफ हूं, धनंजय का जो फांसी हुआ उसको भी मैं विरोध किया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोगों को तो मार देना ही चाहिए। एक 3 साल का बच्ची घर में रख करके मां गया किसी घर में बर्तन वाले, उसका टूटा फूटा घर, किसी ने घुस गया घर में, और वो बच्ची पर आप समझ ही सकते हैं हमने क्या बताया।
क्या घुसाते हैं उसके शरीर में, लगता है कि उसको मार देना चाहिए। एक आदिवासी इन सभ्यताओं से, इन देश से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं। हमने छत्तीसगढ़ बहुत दिन तक रहा, वो बोलते हैं ये सभ्यता, ये सरकार, तुम हमसे थोड़ा दूर रहो, हमको जीने दो। उसका व्रत क्या है, मिट्टी का नीचे, जहां बैठे हैं उसकी मिट्टी का नीचे खनिज पदार्थ है, लोहा, तांबा, ग्रेनाइट, यूरेनियम, इसी व्रत से उसको वहां बेदखल किया जा रहा, उसको बहु बेटी पर बलात्कार किया जा रहा, उसको गोली से मारा जा रहा, माओवादी बोलते उसको जेल में डाला जा रहा। जो करा शासन हो या किसी पे, हालांकि नाम तो शासन है लेकिन उसका पीछे तो जिंदा है, उसके पीछे तो वेदांत है, और कौन कौन है। हमको लगता है कि ये लोगों को ये जो हमारा देश है, थोड़े बहुत लोगों ने हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को जीना हराम करके रख दिया, उनको कोई लहम नहीं दिखाना चाहिए। अगर लहम दिखाएंगे तो हम लोग नहीं जी सकते। क्या कसूर था हमारा, क्यों जेल में डाल दिया था, आपने क्या मांगा था तुमसे, इतना ही तो मांगा था कि थोड़ा सा खाने दो और तो एक दो पुस्तक दो, हम स्कूल जाना चाहते हैं, लिखाई पढ़े। हम 24 साल में जेल में लिखाई पढ़ी सीखे, आज 10 पुस्तक हम लिख डाले, बांग्ला एकेडमी पुरस्कार भी मिला, इस साल भी एक उपन्यास अगर हम बचपन में लिखाई पढ़ी सीख लेते, 24 साल की उम्र में उतना तक आते आते हम कितना सीखते, और हम इन समाज को साहित्य के माध्यम से कितना कुछ दे सकते। लेकिन हमारा हाथ का खट्टा क्यों धमा दिया, चाकू क्यों धमा दिया, अपराधी तुम हो, हम नहीं। हम इस देश के स्वाधीन देश के नागरिक, आजाद देश के नागरिक, हम रास्ते में एक पैसा मांगेंगे किसी से, 2 रुपये मांगेंगे कि हम भूखा है हमको खाने दो, देगा नहीं। और उसी व्यक्ति का पेट में चाकू हम घुसा देंगे, तिहार जेल हो, किसी जेल में ले जाएगा, गर्म खाना मिलेगा, कंबल मिलेगा, रहने के लिए मौका मिलेगा, क्यों हमको उस काम तुम क्यों कराते हो, उसके पहले हमको एक रोटी दो रोटी दे दो ना, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। A man was thirsty. He saw water, some water, a bucket. So he took the water and drank. And because of that, a hot iron rod was used to cut off his hands. This man, I think, should be murdered. A girl child of 3 years, mother has left her alone and gone for work. Somebody comes into the room, brutalizes her. How many different things are pushed into bodies of these girls, these young men, these Dalits? A tribal who wants nothing from his government. The only fault of that tribal is that the soil that he's standing on is mineral rich. They will be tortured, killed as long as they cannot, or as long as they do not give up their land. These are the people whom I want to kill. I cannot kill, so I do it through my literature. This country of ours, here a few have made life hell for so many of us. We must show them no mercy. All that we wanted was food, some education. It is at the age of 24 that I first learned letters when I went to prison. I've written 10 books since then. My last one is on Shongo Kuhun Yogi, who was an activist among the tribals. Chhattisgarh, that is where he spent a lot of time. If I had been educated before, if I had been literate before, I could have written so much more, I could have given so much more to the society. So you are the criminals against whom are my right. I am not a criminal. I was hungry, and for hunger, we ask for bread. You do not give it to us, and therefore we have to take up the knife or the bomb and to kill you. Why do you put this knife or bomb into my hands? The jail turns out to be therefore a good place to us. We are given blankets, we are given food, but why do you have to bring us to this? हम एक देश भिखारी है, हमारे पास कोई देश नहीं है। हम उस पार चले जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, तो वहां हमको बोला जाता है ये हिंदू है, ये मालाउन है, ये कापेर है, विदर्भी है, मारो काटो साले को, ये गाली दे ही दिया। इस पर हम चले जाते हैं, आते शरणार्थी, रिपूजी, उद्वस्तु, वास्तवारा और अनुप्रवेशकारी, तो हमारा देश कहाँ है? वो बॉर्डर क्यों खींचा, हमसे पूछ के खींचा, हमको वो बॉर्डर को मानने के लिए क्यों मजबूर किए जा रहे हो? हम तो उसको तुमको तो लिख के तो नहीं दिया था कि हाँ तुम उसको अलग अलग एक देश बनाओ, तुम अपने साथ के लिए बनाए, तो हमको तुम क्यों रुकते हो उस देश में जाने के लिए, उस देश से आने के लिए? तो ये जो हमारे ऊपर का अत्याचार हुआ, इसके लिए हमारे सामने तो कोई रास्ता ही नहीं था, कोई एक रास्ता ही था जो आओ और जाओ, जहां खाना वाना मिलता है। बांग्लादेश से इस बार हम आए,
बाबूरा शरणार्थी रिफ्यूजी कैंप छह साल तक हम लोग रहे, सरकार की ओर से कोई पुनर्वासन योजना कुछ नहीं था। छह साल का बाद में हम लोगों को बोला दंड करना जाओ, अब वो दंड करना रामायण में हम लोग थोड़ा बहुत, हमारे लोग तो थोड़े बहुत पढ़ लेते थे रामायण, वो पढ़ा, राम वनवास गया था पुस्तक में, वो जाने से इनकार कर दिया, तो सरकार ने बोल दिया कि तुमको कोई हम कोई सहायता करेंगे नहीं। इतने सारे लोगों को कोई रेल बस्ती में, कोई खाल पर में, कोई कहां कहां जाना पड़ा, हम लोग को भी ऐसी भटकना पड़ा। उसके बाद मेरे छोटा बहन था, मेरे ही सामने वो भूखा तड़प तड़प कर मर गए, करीबन छह सात साल उम्र रहा हो, पिताजी भी मरने के लायक हो गया था। ये पुस्तक तो अभी अंग्रेज में आने ही वाला है, ट्रांसलेटर भी बैठे हैं और प्रकाशक भी बैठे हैं, थोड़ी दिन बाद में इसमें सब लिखा, कुछ छोड़ा नहीं। तब वे सारे देश घूमा, घूमने के बाद में बंगाल में जब पहुंचा, नक्सलवाड़ी भी, नक्सलवाड़ी तो पहुंच नहीं पाए थे लेकिन सिलीगुड़ी तक पहुंचे। We are country beggars. We move from place to place, we may cross borders, but wherever we go, here for example, we are seen as refugees, beggars, criminals. So why did you draw that border? You didn't ask us when drawing that border. You drew that border according to your needs, your benefits and privileges, and we were the victims of that. When we crossed over, 6 years we had to stay in one refugee camp, and after that the government said they didn't do anything. There was no rehabilitation program which they could put up for us for those 6 years. After that, they told us to go to Dandukaruna. Now, Dandukaruna is a place which my people too know a little bit of, because we also have heard of Ramayana, read the stories of Ramayana, or heard the stories of Ramayana, and we know that Ram was sent for Vanavas on his exile to the forest, to that place. So we knew it could not be a very good place, and we did not want to go there. Whereupon the government told us that in that case, we are not going to give you anything more, no more dole or anything for you. So many people, thousands of people, we moved to different slums, we set up slums beside the gutters, beside the railway stations. My sister, when she was about 6 years old, in front of my eyes, I saw her starve to death. My father was also on his deathbed. And that is when I left home out of hunger, and I moved all around. I went to the north of Bengal, which is the place where the Naxalbari village is, and that is when I first heard of the Naxal movement. Now, I'm going to stop him here now and ask him that, well, you said that you want to kill, you want to murder, and you feel that you want to destroy these people who cause so much damage to our universe, okay, society, country, whatever. But you were in the violent movement, why did you leave it then? আপনি তো নকশাল আন্দোলনে ছিলেন মনোরঞ্জন দা, যেখানে যেটার ইডিওলজি হলো যে শোষক শ্রেণীকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ো, তা আপনি সেটা ছেড়ে দিলেন কেন? Why did you leave that? पहली बार तो थोड़ा बहुत इसको बताना पड़ेगा कि नक्सल आंदोलन में हमें कैसे जुड़ा। उस समय हमारा उम्र कम था और राजनीति के बारे में हमको कुछ जानती थी नहीं। पहली बार जब हम घूमघाम के उधर से आए थे तो सिलीगुड़ी में हम रहा करते थे, चाय दुकान में हम गिलास विलास धोते थे, तो वहां कोर्ट में जब वहां नक्सलवाड़ी का जो आदिवासी लोगों को पकड़ के लाया जाता था वो थोड़ा थोड़ा हम भी देखते थे, तो कैसे कैसे हमको ऐसे लगता था कि वही आदमी जो है और हम जो इधर है वो एक ही है, वो भी भूखा विरोध में लड़ रहा, हम उतना कुछ ज्यादा तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन चाय दुकान एक ऐसा जगह है विश्वविद्यालय से मिलकर जुटा है, क्योंकि वहां का जैन का चर्चा ही होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं जो विश्वविद्यालय में होता ही वहां होता है, जेल का नहीं होता। हाँ, चाय दुकान में हर तरह का ज्ञान आपको मिल जाए। तो उस समय वो सब एक पक्ष में कुछ था, कुछ विपक्ष में, तो बातचीत के अंदर से हमको ऐसा लगता था कि जो लोग लड़ रहा है वो भूख के खिलाफ लड़ रहा है और हम भी भूखा है तो हम उसी का साथ का है, ऐसे ही लगता। फिर हम जब कलकत्ता चले आए तो देखे दयाल में सब नक्सलवाड़ी जिंदाबाद सब मिल चला था, हम देखे कि वहां से नक्सल लोग यहाँ तक पहुंच गया। तो ऐसे तो हम दलित समाज के लोग थे, दरिद्र समाज के लोग थे, जहां हम बसे थे, रह रहे थे, जहां वहां सब उच्च जाति के लोग और भी मध्यवित्त परिवार के लोग रहा करते थे, हम लोग से कोई मिलता जुलता था नहीं। हमारा माँ किसी घर पे बर्तन मलता था, पिताजी
लेबर के काम करते थे, हम लोग ऐसे ही थे, तो हम लोग के साथ वो लोग मिलता था, हम लोग एक कोना में अलग से पढ़ा रहते थे। तो कुछ लोग बच्चे जो है उसके साथ हमारा मिलकर था, हमारी उम्र का दूर दूर का, तो वो लोग से हम बातचीत करते थे। तो उन लोगों को हम ऐसे जैसे आप लोग देख ही रहे कि हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं, उसमें और भी ज्यादा थे, और खूब ऐसे हम बताते कि हम नक्सलवाड़ी गए थे और वहां देखे सब कुछ, लड़ाई अपने आंखों देखा हाल उनको बताते थे, उधर से कैसे गोली चल रही है, कैसे ऐसे ही बोलते थे हम। उस समय कानू शर्मा का तो हमने तो देखा था नहीं, लेकिन कानू शर्मा का चेहरा जो हम बताया था वो तो 6.5 फुट लंबा होगा या ऐसे बड़ा मूंछ वाला होगा, लेकिन बाद में जब जब उनको देखा तो हमारे को हंसना पड़ा कुछ देर के लिए कैसा। तो ऐसे ही लोगों को बच्चे को बताते थे कि हम नक्सलवाड़ी गए, हम देखे जंगल सरकार को, उस समय कानू शर्मा और जंगल सरकार का नाम ज्यादा था और लोगों को ऐसे तो चारों इंदर उसके लीडर थे, लेकिन उनका नाम उनका उभर के सामने उस समय आया था, ज्यादातर यही लोगों के नाम थे, खोकर मजुमदार, सुशीतल राय चौधरी होता नहीं थे, खोकर मजुमदार थे और जंगल सरकार काली मंदिर था, वो जब करता है उसका एक लकड़ी का कुटका वही पड़ा था जला हुआ, उसी को उठाया और सीपीएम लिखा था और उसके बाजू में ये लिख दिया। तो जो सीपीएम था सीपीएम हो गया, जो सीपीएम का था वो नक्सल का हो गया। तो जाते जाते सीपीएम का एक व्यक्ति ने देखा कि ये हमारा दीवार को जो है वो कब्जा कर लिया, तो वो जाके पार्टी में बताया। तो जब पार्टी में बताया तो पार्टी का लोगों ने सोचा कि वो हमारे साथ का जो था जो लिखा था वो उसका 6 भाई है, पिताजी का वहां कारोबार है, वो स्थानीय है, उसको मारने से कुछ, और वो लड़का बहुत जनप्रिय भी था युवक के अंदर, इसको मारने से कुछ बुरी प्रभाव पड़ेगा, तो वो लोगों ने चुना राजनीति इसी को बोलते हैं, वो चुना हमको कि इसका तो कोई है नहीं, गरीब है, माँ बाप ऐसे ऐसे है, इसको अच्छे तरह से पीट दिया जाए तो ये कुछ तो कर ही नहीं सकता और लोगों को डराया भी जाए, तो हमको लेकर के लाइट पोस्ट में बांध दिया। और जैसे उनको अभी अब मिल जाए थे जो मैं थोड़ा चल नहीं पाता हूँ, ये उसी का नतीजा है, तो उस समय तो थोड़ा उम्र कम था चल लेते थे, थोड़ा लहसुन तेल गर्म करके, लेकिन अभी उम्र बढ़ते जा रहा तो हम तो विकलंग होते जा रहे हैं, चल नहीं पाते, ये सी पी एम करते हैं। जब भी कुक तो क्या किया मैसागर, उससे भी ज्यादा मैसागर हमको व्यक्तिगत रूप से। तो जब हम मार मुर खा लिए तो दो काम हो गया था, एक तो वो लोग जो डराना चाहते थे युवक को, युवक लोग डर गए कि ऐसे नक्सल करने जाओगे तो ऐसे ही वो लोग मारेंगे, तो उधर जाना बंद कर, एक उनका फायदा हुआ और मेरा फायदा यही हुआ, जो असली नक्सलाइट जो लोग थे उनको पास मेरा नाम पहुंच गया कि यहाँ लड़का रहता है जो एकदम विप्लवी प्रेरणा से एकदम नक्सलवाड़ी तक पहुंच गया था, वो कानू शर्मा का साथ भी रहा और जंगल सरकार का साथ भी रहा, ऐसी बात फैल गया। तो वहां के सबसे बड़ा लीडर थे आसू मजुमदार, उन्होंने हमको बुलाया कि आओ तुमको थोड़ा ट्रीटमेंट का भी थोड़ा जरूरत है, तब जाके हम उनसे मिल गए। The question was, why did you leave them? So he said, before that, let me give a brief introduction about how I got into the Naxal politics. I knew nothing about politics. So when I was in North Bengal, near this Naxalwadi, I used to wash dishes in a small tea shop, which was near the court. And I would see these Adivasi convicts being tied, their hands being handcuffed or whatever, and being taken to the court. And somehow I would feel that they and I, we were on the same side. And he says a tea shop, like the university, like a prison, is a place where you get to acquire a lot of knowledge. There are a lot of narratives and discourses going on there, and there is a lot of knowledge which you can gather from these places. A tea shop is also like that. So I heard a lot about this new revolution, this new ideology of the Naxalites, which was coming in at this time. And I grew firm in my belief that both they and me, we were victims of the problem. So then after that I came to Calcutta, and then I found that there were these Naxal slogans written, scrawled on all the walls. Now, in Calcutta we lived a little separate, not near the Bhadralok, not near the middle class, because my mother would work in their house to wash utensils, etc. So we would live a little separate in a kind of a corner.
And there I, because I was as hot-headed as he says, you can see me, and I talk a lot, I am not very tame, so to say. So there too, I told my friends a lot of tall tales about what I had seen in North Bengal, and I made up a lot of stories about how I had seen bombs being thrown and shooting going on and the Naxals being so great. And I described the leader of the Naxalite movement, Tanu Shandal, completely imaginary portrait as a very tall, muscular man, big mooch, and really great. And he says, later when I really saw Tanu Shandal, I was completely flabbergasted because he was nothing like that, of course. But I said I made up all these tall tales, and the friend I told it to got very inspired. And on the wall, you know, there's this, they write in a corner whom the wall belongs to. So it's sort of laying claim to the wall. So it was written CPN. Now my friend, he says, picked up this burnt piece of wood. There was this Kali Mandir nearby. This burnt piece of wood and scrawled an L beside the CPN, thereby making it the wall not belonging to CPM, but to the CPML, which is the Naxalite outfit. Now one CPM member who was passing by saw this and told on us. Now, then the CPM people, and he says this is what politics is all about, knew that we were two criminals over there, two of them whom they had to teach a lesson to. But they didn't pick on the other boy, because the other boy was from a more or less ethnic family, and there was somebody in his family thinking, oh, if you put that, no, dada. So he was a football player and therefore he was popular, so they didn't want to do anything to him. So they decided this was the easier victim because he didn't have anybody and if you give him a good beating, there's nobody who's going to raise a voice again for him. So they caught me, they tied me to a lamppost and they beat me with rods. And the limp that you see I have now is a consequence of that. Then I was young, it didn't matter that much, but as I age, I can realize the disabling effect that beating has had on my knees. And so he says they gave me a very good, very, very bad beating. And there were two outcomes to this. He says one was what they had wanted, that the beating struck fear in the hearts of all the wannabe Naxalite youth, so they were completely scared of the Naxal. And he says, the other thing which happened is that his name reached the Naxalites in Calcutta about this youth who was completely fired with the Naxalite ideology. And therefore, the leader of the Calcutta Naxalite movement, Ashu Mujumdar, called for this young firebrand to be brought to him. And they offered him treatment, etc., because he was of their group. उसके बाद में जो नक्सलाइट जो लोग हैं वही वामपंथी लोग जो उसको पहले हमने वही कहा अब शहरी क्षेत्र में बसे जो लोग मध्यवित्त परिवार से आए हुए जो लोग वो एक नक्सल और ग्रामीण क्षेत्र से बाद में हमने छत्तीसगढ़ में भी असली नक्सल एक दो हमने देखे ऐसा लेकिन जो शहरी क्षेत्रों का जो नक्सल लोग थे देश प्रेम ये जो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे क्योंकि देश प्रेमी थे गरीबों का प्रति उनका हमदर्दी था ही था लेकिन ये जो हमारा वर्णवाद जो है हम बहुत से बात जानते नहीं है लेकिन हमारा अंदर में घुसपैठ करके बैठ है इसको हम समझ नहीं सकते उनको हम अपराधी नहीं बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम दो चार नाम ले लेते हैं आपको सामने जैसे सबसे बड़ा दलित को लेकर के बगल में कोई लिखा होगा तो महाशंकर देवी को माना जाता है गरीबों के लिए लड़ाई किया उनको जान भी जा सकता था वो खोकर मजूमदार है बहुत बड़ा साहित्यिक शिशिर मुखर्जी है महाशंकर देवी के लड़का नवरण भरचा जाए बहुत बड़ा वामपंथी तात्विक नेता अशोक मित्रा जी है ऐसे कितने नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने जिनका लेख में चूड़ी चमारी इस शब्द का इस्तेमाल किया महाशंकर ने किया हमारे एक दलित लेखक है नाम नहीं बताना उन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया चूड़ी चमारी अभी ये जो ब्राह्मणवादी चिंताधारा हमारे अंदर घुसपैठ करके बैठा है हम इसको पहचान नहीं सकते चोरी ये तो बहुत खराब चीज है सब कोई जानता है चमारी कैसे खराब हुआ भाई चमार तो एक मेहनती आदमी है वो तो हम एक जाति को अपमानित करने के लिए चोरों को साथ जोड़ दिया ये तो जोरा ब्राह्मण है अभी बोलता है राग चंडाल
यानी जो गुस्से लाए वो चंडाल, चंडाल ही गुस्सा करता है, मतलब एक चंडाल जो समुदाय है उनके ऊपर में एक ऐसा थोप दिया। कावड़ा वो तो कथा बोलिस ना, जैसे कावड़ा जैसा बातचीत मत कर, वो थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बात करते हैं, तो उसको जो थोड़ा जोर से बात करेगा उसको उसी जाति वो एक अवगुण माना जाता है। ये है जो ये कभी कभी हम भी शायद हमारे लोग भी बोल देता हूं, ये अवचेतन में हमारे अंदर भी ये ब्राह्मण वाली चिंता भावना घुसपैठ करके बैठा है, इससे हम निकल नहीं पाते। तो वो जो वामपंथी कुछ लोग है उसके अंदर भी ये चीज घुसा है। अब हम 10 पार्टी कार्यकर्ता एक जगह, उसमें तो हम उतना जानते नहीं पढ़ाई लिखाई थे, वो भी हो सकता है उनका सोच में कहीं से कुछ आटा वाटा कलेक्ट करके लाए, 10 आदमी को रोटी बनाना है, तो वो करेगा कौन, वो हम ही वो यही करेगा। मतलब जो मेहनत का काम था है जो, और थोड़ा जो काम करने के अपने को थोड़ा बहुत लोग अपमानित सोचते हैं, वो सभी काम हमारे ऊपर सौंपा जाता है। जैसे रात को पहरा देना होगा, कोई लीडर कोई घर में सोए हुए हैं, पुलिस ना आए पहरा देना, वो पहरा देने वाला काम जो है वो हम ही को करना पड़ेगा। पार्टी का एक क्लास हो रहा है जहां हर कोई बैठा है सुन रहा सीख रहा कुछ, वहां हमको जाने का कोई जरूरत नहीं, तू क्या तू तो पढ़ा लिया, हम लोग सुन लेते हैं फिर बाद में, मैंने हमको वहां जाने वो लोग देते ही नहीं। ये सब चीज जब हमको थोड़ा थोड़ा मन में आया, फिर हमने देखा जो कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई वाले को देखा, सीपीएम वाले को देखा, नक्सल को भी देखा, कि ये जो इनका जो उच्च स्तरीय जो लीडरशिप है उनमें हमारे नमसूद्र कोई नहीं है, दलित कावरा कोई नहीं, बागदी कोई नहीं, मुसलमान एक आध होंगे लेकिन उतना नहीं है। क्यों? अभी आप लोग तो सब हिंदी क्षेत्र से है तो ये कहानी तो आप सब पढ़ ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा याद दिलाने के लिए कि प्रेमचंद मुंशी जी की कहानी है, ऐसे ही है शायद कि चार बच्चे एक जगह एक स्कूल में खेलते हैं और मास्टर जो है बोलते हैं कि यार देखो कोई जात पात नहीं है हमारे, ये देखो ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये कायत है, ये सब एक साथ में मिलकर खेल रहा है। तो जो आदमी को उसको बताया जा रहा था उसने देखा कि ये घोड़े घोड़े खेल रहा है, और जितने बार दलित वो जो घोड़े बनना पड़ रहा है वो दलित का बच्चा को ही बनना पड़ रहा है, मिल रहा खेला खेल रहा है एक ही साथ में, लेकिन घोड़ा बनने का टाइम जब आएगा तो उसी के ऊपर मोती हो चढ़ेगा, किसी ने उसको चढ़ने को। तो हम लोग भी हम भी राजनीति ये करने गए तो हम देखे कि जब घोड़ा बनने का टाइम आता है वो हम ही को ऊपर चढ़ जाता है, बर्तन कुंभ होगा तो कुंभ होगा, लेकिन कभी किसी ने हमारे से बर्तन छीन के ऐसा नहीं लिया कि चलो हम धो देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको दिमाग में आने लगा, उतना नहीं आया था, हम सब समझाते थे कि क्रांति हो जाएगा, तो उसके बाद में तो सब तो। और अम्बेडकरवाद जो है इस बारे में हमारे बंगाल में उतना खास चर्चा तो था नहीं, ज्यादातर लोग यही बोलते थे अम्बेडकर जी ने संविधान रचना किया बस उतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, वो एक उनका कहना था। लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहने के कारण ये जो राष्ट्र व्यवस्था है, ये जो संविधान है, इसके प्रति हमारे तो श्रद्धा तो था नहीं, हम तो इस संविधान को इस तरह मानते थे, मानते भी है अभी कि ये शोषण व्यवस्था जो है ये कायम रखने के लिए वो उनका हाथ में एक हथियार है, जरूरी व्यवस्था लागू किया गया वो तो संविधान से ही तो दिखाया गया कि ये लागू किया जा सकता, संविधान में इस प्रावधान है, मणिपुर में अभी जो मैंने बात किया जा रहा वो भी तो संविधान में प्रावधान तो है, लेकिन वहां जो आप भी जानते हम भी जानते कितना अन्याय वहां हो रहा, अभी छत्तीसगढ़ में जो मिलिट्री में वो तो सिपाही पूरी जो ये भी तो संविधान में है, तो संविधान उनका हाथ में शस्त्र दे दिया अन्याय को भी न्याय बना, तुम्हारे ही लोग ही तो लिख गया कि अम्बेडकर के हमारे लोग थे वो तो नीचे जाते हैं लोग, वो तो तुम्हारे साथ के लिए तुम्हारे हित के लिए ही तो लिखा, ये देखो इसमें लिखा है कि हम तुम पर गोली चला सकते, ये तो ये पुस्तक में लिखा है, हम इतना पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर गलत बोले तो आप लोग हमको समझाइएगा, हम तो आपसे सुन सुन के सीखा, उतना ज्यादा पुस्तक हम नहीं पढ़ा, लेकिन हमको ऐसा लगा
ये भी बात होने से रेल के बारे में, और एक बात भी आप सोचा था कि रेल लाइन है उस बाजू में नक्सल लाइन, इस बाजू में से के उस तरफ से हम लोग बम बम जो भी लेके इधर आ गए, इधर के लोग जो है इलाका को दखल करना है, तो ये रेल बस्ती का जो लोग है वो हमको रोकने के लिए खड़ा हो गया, हम लोग उस रेल बस्ती से जो आए खड़ा हो गए, तो जो लड़ रहे थे और मर रहे थे वो सब हम गरीब सभी नीची जाति के लोग, इसका तो कोई ऊंची जाति का तो है नहीं, पैसे वाले लोगों तो कोई है नहीं, हम गरीब लोग ही एक दूसरे को मार रहे। हमारा एक मित्र था उसका नाम था स्टार्क, बहुत छोटे जब हम एक संतोषपुर में चाय दुकान में हम गिलास विलास होते थे काम करते थे, वही बाजू वाला स्कूल में वो पढ़ता था, हमसे बहुत अच्छा उसके दोस्त था, बाद में वो सीपीएम में चला गया, और कुछ दिन बाद में देखा सीपीएम नक्सलाइट लोग, वो बेचारा एक महीना पहले शादी भी किया था और मछली का धंधा करता था, उसको उठा के लेकर के नक्सलाइट लोगों ने उसको मार दिया। उसको जब देखा तो बहुत दुख आया हमको, ये मेरा बचपन का मित्र है, ये तो गरीब है, इसको मार दिया। तो ये जो अपने अपने में हम लोग लड़, अभी बदला लेने के लिए हम भी उसको मारेंगे, ऐसे एक बात है। तो मार रहा है तो किसको मार रहा है, अपने ही लोगों को। ये जिन जो शोषण व्यवस्था थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया था, जी शोषण व्यवस्था को जो बना के रखा है वो ऊंची जाति के लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, हम उस पर तो कोई आक्रमण कर ही नहीं पा रहा, उसको तो छोड़ नहीं पा रहा। रूनू को नहीं होगी बांग्लादेश बड़ा पुलिस है, उस समय इतना अत्याचार किया, जैसे वो अंग्रेज का समय में जैसे वो था टेगा उसी तरह था, उस तरह तो उतना तक तो बोल नहीं पा रहा है, मर रहा है तो कोई होगा कोई पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो भी एक दिल में दुख है। तो हम बोला नहीं अब ये लड़ाई हमारा लड़ाई नहीं, यहाँ से अब भागना चाहिए। और उसी समय बंगाल में जो है वो 71 का लड़ाई शुरू हो गया, उस तरफ से हमारे कुछ मित्र लोग इधर आ गए, हमारे पिताजी से पूछे कि ये मंगलयान कहाँ है, तो बोला वो तो अब मरने का नौबत आ गया, उसको मारेगा या पुलिस या सीधे कोई उसको मारेगा। तब वो लोगों ने बोला कि गंगा में चले चलो हमारे साथ, इसको जान पड़ जाए। तब पिताजी उनके साथ गंगा में चले गए, हम भी उनके साथ चले गए 71 साल में, वहीं आदिवासी क्षेत्र में हमारा है। फिर कुछ दिन बाद फिर कलकत्ता आए, बस एक लाइन और कलकत्ता आ गए, ये दूसरे सवाल करेंगे उसके लिए हम इसको खत्म कर दें उनके बाद करेंगे। वहाँ से फिर कलकत्ता जब आप भी वहाँ वो अच्छा नहीं लगा था, कलकत्ता आ गए, आने के बाद यहाँ तो खाने का कुछ तो था नहीं, स्टेशन में रहना घरवाली तो कुछ है, रेलवे स्टेशन में रहना और रेलवे स्टेशन रिक्शा विक्शा चलाना और इस तरह की जिंदगी जो होता है, दारू वारू पियो मारपीट पारपीट करो। लेकिन वो थोड़ा बहुत नक्सलाइट लोगों के साथ मिला था तो गरीबों के ऊपर में कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार होता था तो हम उसके विरोध में खड़ा हो जाते थे, हमारे साथ कुछ 10-15 लड़का भी छूट गया था। तो पुलिस हमको समाज विरोधी करने लगे, बदल लोग जो है वो हमको समाज विरोधी करने लगे, और स्टेशन से गिरे हुए जो लोग गरीब लोग है वो हमसे मित्र करने लगे। इसी तरह इसी कारण he says about he was speaking about coming into the Naxalite movement, and he says that there were two kinds of Naxals. One was the urban educated conscious Naxals. And he said that I will not say anything tarnish their the image that they have of patriotism, because I believe that they were patriotic. They did truly, genuinely have love for the poor, for the downtrodden, and they tried to help us. But this casteism, he says, is something which we don't realize. It sits quietly within us, and possibly this was the case with these Naxalite well-meaning people also. He named some more, I could take down only three writers belonging to the upper caste who have written on the exploitation and the brutality perpetrated on the lower castes or the poor: Mahashita Devi, Ashok Mitra, Mani Bandyopadhyay. And he said that in all these people have always been writing for us then. But subconsciously, casteism is part of their minds also.
he gives examples of certain phrases which they use. The phrase churi chamari. Churi is thieving, and chamari, chamar is a person who lives by skinning animals, skinning their animals. So he says they use the phrase churi chamari, almost without meaning anything, meaning thieving. But why are you criminalizing the activity of the chamar? If you want to say somebody is a thief, somebody is a thief. But why are you adding the word chamari to that? Because the chamari is an honest laboring person. So in this way, this kind of words that he uses, he says this other word, that don't talk like a kaura, meaning if you raise your voice and are too belligerent, you are branded as belonging to one of the lower castes, the kahins. As furious as a chandal, as if only the chandal can have that kind of fury, a destructive fury. So he says in this way, through the language and the system, casteism has entered our blood, and we are often not aware of what we are saying. Then he says that this was also present within the leftists, within the Naxalites themselves. Maybe they also thought that I was uneducated and so I was different from them, because there would often be classes which they would hold, and I was not expected to be part of the classes. So they would say, you don't need to be there, you can finish this other work, and we'll listen, we'll understand, and then we'll tell you, don't worry. So whenever there was any kind of work which was laboring work, like making chapatis or washing the utensils, etc., that always somehow fell on me. We did meetings and processions and we came back, but and then they said, well, they did something else, more cerebral, intellectual, I was given these jobs. And he cites a story from Premchand, and he says Premchand has a story about four young boys playing, and the person is saying that, look, there is so much of enmity between the castes, because we have Brahmins, Chandals, this, that, etc., Mushudra, whatever. But the writer is saying that they were playing horse-horse, you know. One becomes a horse and the other is back on him. And whenever it came to being a horse, that horse was always from the Dalit boy. So he says, in this way, in spite of the sympathy and the love which I got with, as being when being part of the Naxalite movement, I was always made the horse. And therefore I noticed that there were no leaders among the Naxalites from our community. In Bengal, he says, Ambedkar's teachings are not as deeply or as well known. And being part of the communist movement, the leftist, the Naxalite movement also, it is not that I had much respect for the constitution, because I believed and I could see that the constitution was something which had been created by the privileged, by the upper caste, and could be used as an instrument against the poor and the downtrodden. So he says that this was one kind of the urban educated Naxals, and the other kind was my kind of Naxals, who were also part of the Naxal movement. And that came home to me when one day we were, or not one day, I mean, when we would line up on two sides of the railway line, on two platforms, they would be the CPM and we would be the CPML, and we were all, both fighting to save our slums, our land, to lay claim to our land. And so we would be throwing bombs and knives at each other, till it struck me that the people on the other side were as poor as I was, from the same caste background as I was. So the real people, the people like, he cites the name Runu Bhuvaniyo, who was the terror of a police officer and who suppressed successfully the Naxalite rebellion of the 70s, he said these people we could never touch. So we were never killing those people, we were killing ourselves. So they killed one of his friends, Karthik, a poor boy like him. And that struck a lot of sorrow into his heart. But he says, what do we do when something like that happens? We go and kill one of them. But what the bottom line is that we end up killing our own people. So this is something which came home to me through the politics which I got involved in. Then he said that my family began inquiring about me, where was I, and they were told that, well, he's just about to die because he's part of this rebellious group. And so they got hold of him and they said, we have to go to Dandakaranu, whether we want it or not, if for nothing else than to save his life. So they went to Dandakaranu, they could not live there, so he came back once again, he became a rickshaw puller, and the kind of the lives, dangerous lives which they have, so he got into alcohol, into violence, and he says part of this was also the fact that because I had been inspired by the ideologies, I built up a kind of a group, and we would stand up and fight for what we saw was right, and what we saw was oppression of the poor or oppression of the weaker sections. Okay, so then how did you get into writing? जेल चले गए
हमारे पास जेल नहीं था, वो विश्वविद्यालय था। हमने जब जेल में घुसा तो बहुत रो रहा, तो पांच साढ़े पांच फुट ऊपर में खिड़की है, वहां एक आदमी बैठा था करीब 60 साल उम्र है, बाहर खिड़की से बाहर तरफ झांक रहा था। तो हम गुस्से था, उनको देखा हम रो रहे हैं, तो क्या क्यों रो रहा है, जेल है तो कौन सा केस, पता नहीं, पुलिस बोला था सर हमारा जेल में रहना पड़ेगा। कैसे था सर, क्या किस कौन सा धारा लगाए थे, कुछ मालूम नहीं आ रही थी, हिस्ट्री की होता है रेशन कार्ड टाइप का, उसमें सब नाम वाम सब लिखा रहता है, कौन सा केस कब कोर्ट जाना वो सब लिखा रहता है। तो बोले उसमें देखना लिखा है, कब बोला तो हम तो पढ़ नहीं जानते, तू इतना गुस्से से वो आदमी हमने हमको देखा, थोड़ा बहुत पढ़ना ही नहीं जानते। तब उस व्यक्ति ने वो कागजात देखा तो बोला हाँ जो जो धारा 307 धारा लगाया था वो सब मुख्य धारा वही था, इसमें तो अगर तू लड़ ना सके बकील वकील दे ना सके तब तो उसमें पुलिस वाला कर ही सकता है 10 साल सजा, लड़ सकता है कि नहीं, वकील वकील दे सकते कि हमारा कुछ नहीं दे सकता, तब तो फरार निकलना मुश्किल है। तो उस व्यक्ति से हमारा दोस्ती हो गया, हमारा उम्र करीबन 24 साल, उनका उम्र 60 साल, दोस्त हो गया। एक आप लोगों ने भी शायद कोई पुस्तक में इतना बड़ा बात पढ़ा नहीं होगा, मैं भी तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ी बात, खिड़की से वो व्यक्ति जो है नेशनल लाइब्रेरी का तरफ देख रहा था, कार्निश, हम बोला इधर देख तो खिड़की से कुछ दिखाई दे रहा है, हम कार्निश से झाका उस तरफ जेल, उसके बाद में मेन रोड, उसके बाद में नेशनल लाइब्रेरी, तो दिख तो नहीं पा रहा, बोला अच्छा से देख, ये तो दिखने वाले जो निगाह है, ये जो कितना बड़ा भारी कोई है, कितना चीज जो हम लोग हमारे सामने से गुजर रहता हम देख नहीं पाते, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है जो देखने वाले वो देख जाते हैं। खिड़की में एक छोटा सा बाढ़ का दिख रहा, बोला अब तो दिख रहा, वो दिखा है, बोलो वहां तो पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं, वो कैसे जिंदा है। तो जिए जीना चाहते हैं वो कहीं पर भी जी जाता है, जीने का जो इच्छा वो होना चाहिए, उसीलिए वो बढ़कर वहां जी रहा है। और वो कुछ देर बाद में वो दीवार को जो तोड़ डालेगा वो बड़ा हो जाएगा। हमने इससे बड़ा और उसी से हमने शिक्षा लिया और उसी से मैं जीता हूं कि मैं मरना नहीं चाहता, हम मरूंगा नहीं। आप तो क्या है, ये जीवन जो है थोड़े दिन बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो रह जाएगा, इसको मार सकता है ऐसा तो कोई है नहीं। तो उसके बाद में उतिता सिटी नदी नाम अभित पलवर्मन आज भी जिंदा है, इसको भी उसी तरह जिंदा रखेगा हमारे लिए, कोई इसको नहीं मार सकता, इतना विश्वास हमारा है। और जो पढ़ता है उसको भी वो विश्वास है कि हाँ ये पुस्तक मारेगा नहीं कभी। उसके बाद में वो आदमी ने कहा कि लिखाई पढ़ी से कभी, तो देखो जेल से जाने का बहुत दिन लग जाएगा, लिखाई पढ़ेगा तो लिखाई पढ़ी सीखने के लिए तो कुछ तो चाहिए, कागज वागज है तो भी कुछ। तब उन्होंने और भी कुछ सारी बात डिटेल्स में तो पुस्तक में लिखा है, तो मेरे पास तो एक जगह चार चार पांच पांच घंटा तो अभी करियंगा दिया था, तो दो दिन तक खाली मैं ही बोलता गया, यहाँ तो शेड्यूल टाइम है, क्या करेंगे आप, सुनने वाले लोग छोड़ रहा था नहीं तो फिर करेगा तो लोग क्या करेंगे। एक के बाद एक सवाल करा, तब वो हाँ लिखाई पढ़ी सीखना शुरू किया मिट्टी में, वो एक लाठी का गुटका देखे हवा पापा, उसके बाद में पुलिस वाले कुछ चौक पेंसिल बोलते हैं वो लाद के दिया, फिर कुछ कागजात जुगाड़ किया था, कैसे किया था आप नहीं बताऊ, थोड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा सैक्रीफाइस किया था हमने ऐसे। फिर जब जेल से आए निकल के तो रिक्शा रिक्शा चलाते थे, लेकिन जेल से जो पुस्तक पढ़ने वाला जो नशा है वो हमको छोड़ नहीं रहा था, बाहर में आए मार्केट भी करते थे, दारू भी पीते थे, लेकिन पुस्तक भी पढ़ते थे, ये तीनों एक साथ चल रहा था, बीच बीच में कभी कभी फिर पकड़ के गिरे भी जाते थे, वो भी चलता था, लेकिन पुस्तक पढ़ते थे। तो एक रिक्शा में बैठ के एक पुस्तक हम पढ़ रहा था, एक सवारी आए रिक्शा में चढ़ने के लिए,
हमको लगा कि उन्होंने वो अध्यापिका है, तो उनको आपने पूछा कि एक शब्द हमारे पुस्तक में मिला उसको थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? हमने कहा जी जी विशा, ये शब्द का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा पीछे था का इच्छा व पाची बर इच्छा, जीने का तमन्ना। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो ये शब्द को तुमको मिला कहां से? हमने कहा एक पुस्तक से। कितना तुम पढ़ाई लिखा है? हमने कहा कुछ पढ़ाई लिखा नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे कम लिखे बड़े लोग हमारे पत्रिका निकालता है उसमें लिखता है, तुम लिखोगे? अच्छा वो था महाशत देवी है। तब हमने कहा ठीक है, आप तो अभी तक तो कभी लिखा नहीं, प्रयास करूंगा अगर हो सकता है। तो एक लेख हमने लिखा था परीक्षा का, उसका नाम था, वो छप गया था पत्रिका में। जब पत्रिका में छप गया था तो देखा कि कुछ लोग ढूंढ ढूंढ के हमसे मिलने को आ रहा है। उस लेख में कुछ शायद था ये व्यक्ति जो है हमारे बाजू में बैठा है, उस पुस्तक का उस लेख पढ़ के 25 साल तक हमको ढूंढा, कहां गए, छत्तीसगढ़ तक जंगल में चले गए हमको, वो एक लेख इनको ऐसा किया। फिर 25 साल बाद मिले, दोस्त बन गए, अगले के पत्रिका में मैं नियमित लिखता हूं। तो उसके बाद से जब लोग मिलने लगे और लोग फरमाइश करने लगे, भाई अच्छा तुम जेल गए थे तो जेल के बारे में इतना से इतना तो बता दो, अच्छा तुम रिफ्यूजी आए शरणार्थी पर्स है तो जेल की वहां से इतना, तो हम लोग लिखने लगे, छापने लगे, लोगों को निगाह थोड़ा बदलने लगे। अब पहले जब लोग आते थे कभी नहीं गिरे, आप थोड़ा देखिए वो थोड़ा जो पहचानते हैं थोड़ा इज्जत से बात करता है, उतना ये करते नहीं, तो थोड़ा अच्छा लिखने से इतना बड़ा मजा है, यहाँ भी बैठ जाऊ आपके सामने, क्या मजा हमारा की आपके सामने कुर्सी में बैठो, आप अभी भी है कि स्कूल में मैं खाना पकाने वाला काम करता हूँ, एक मजे की बात है, जो भी बोल के खत्म करूंगा क्योंकि दीदी का टाइम भी हो रहा है, आपको भी सीख है। एक कार्यक्रम में ऐसे आपके जैसे ऐसे ले गया, बहुत माला वाला दिए। उसके बाद में दूसरे दिन हमारे स्कूल में उसका मीटिंग था, वो लोग आ गए बड़े बड़े 24 प्रकरण का बड़े बड़े नेता लोग, और हम चाय बना के ट्रे लेने के उनके वहां गए। आप वो देखा तो हमको चुप गया कि लुंगी लुंगी पहन के चाय, तो जो बड़ा सबसे बड़ा नेता नेता था उत्तम भाई, बोले ये कैसे आपसे चाय पिए? हम बोले देखो ये जगह जो है तुम्हारा है, तुम यहाँ मालिक हो, हम तुम्हारे नौकर है, यहाँ हम तुमको चाय पिलाएंगे, और जो हम मंच पर ले जाओगे तो तुम हमको माला वाला दोगे। तो अब लिख रहा हूँ, लिखते लिखते 10-12 पुस्तक हो गया, दो दो बड़ा बड़ा पुरस्कार भी मिला, मंगला के मिला, 24 घंटे उन्होंने मिला, छोटा छोटा और भी 2-4-10 मिला, और सबसे ज्यादा 20,000 प्रतियां ये बिक्री हो चुका इन्हीं के हिसाब से, और आप जैसे कुछ लोग हमको मिला, मित्र बोलिए मित्र, और हमारे प्रति आपके हमदर्द भी है तो वो भी है, जो भी है आप जैसे कुछ लोग मिला, ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का प्राप्ति, इसको मैं।